हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है फार्मर्स का। जो अभी ऑनगोइंग प्रोटेस्ट चल रहे हैं हमारे और थ्रू आउट द कंट्री जो अभी प्रोटेस्ट फार्मर्स कर रहे हैं, तो बेसिकली पहले तो हम सबको ये जानने की ज़रूरत है कि जो मेन पॉइंट है कि मतलब किस वजह से प्रोटेस्ट शुरू हुए, क्या फार्मर्स के इशू हैं, क्या उनके पॉइंट्स हैं, और क्या गवर्नमेंट की साइड से कौन से एक्ट्स पास किए गए जिनकी वजह से फार्मर्स को रोड पे उतरना पड़ा और उनको अपने डिमांड्स के अगेंस्ट अपनी वॉइस उठानी पड़ी। सो बेसिकली गाइस, ये जो चीजें शुरू हुई थी ये हुई थी जून 2020 के अंदर। अंदर क्या हुआ था जून 2020, गवर्नमेंट ने तीन बिल्स जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किए थे। सो उसके बाद क्या हुआ कि पहले वो बिल्स राज्यसभा के थ्रू वो पास हुए, उनको बहुमत मिला, देन लोकसभा के थ्रू, और फिर लास्ट में क्या हुआ 20 सितंबर के बाद अराउंड 27 सितंबर पे प्रेसिडेंट ने भी उनको साइन करके और उनको रेगुलेट करके जब वो बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए तब तक तो सारी चीजें थोड़ा मतलब ठीक था कि पता नहीं बिल्स पास हो गए, एक्ट बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या सिचुएशन होगी आगे। लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट ने उनको साइन कर दिया तो वो एज अ एक्ट वो रेगुलेशंस में आ गए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गए। सो उन्हीं तीन बिल्स को लेके, जो तीन बिल्स आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, उन्हीं तीन बिल्स को लेके आपको फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट अपना कर रहे हैं। और बेसिकली आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उन तीन एक्ट्स में एक्चुअल वो है क्या, गवर्नमेंट की साइड से क्या क्या उनमें तीनों एक्ट्स में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, और एक्चुअली जो है फार्मर्स को कहाँ कहाँ पे इशू उनको लग रहे हैं कि इन फ्यूचर उनको इश्यूज होने वाले हैं। और इस वीडियो यहाँ पे हम कवर करने वाले, जैसे कि हमें बताया, तीनों एक्ट्स और फार्मर्स को होने वाली परेशानी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो अगले आने वाली वीडियो है उसमें हम आप डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज और क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सो दैट कि फार्मर्स भी एक लेवल पे अंडरस्टैंड करके और गवर्नमेंट्स भी उनको समझाए और अमेंडमेंट करके इन रूल्स को एक थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे लाया जाए कि फार्मर्स को भी कोई इश्यू ना हो और गवर्नमेंट भी जो अपना एम लेके चल रही है वन मार्केट वन नेशन, तो उसको भी करने में वो सक्षम हो, अपने सक्सेसफुल हो। सो गाइज, गवर्नमेंट के थ्रू जो तीन एक्ट पास किए गए हैं और जिनके अगेंस्ट फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस प्रकार है। जो पहला एक्ट है वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। जो दूसरा एक्ट है वो है द फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। और जो तीसरा और आखिरी एक्ट है वो है द एसेंशियल कॉमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। सो गाइज, हमारी जो ये वीडियो होने वाली है ये दो पार्ट्स में इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला तो जो है इन एक्ट्स के बारे में, जो तीन एक्ट्स गवर्नमेंट की साइड से रेगुलेट किए गए हैं इनके बारे में हम ब्रीफ में आपको बताएंगे। देन हम ये बताएंगे कि फार्मर्स की साइड से क्या कंसर्न है, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन एक्ट्स के अगेंस्ट। पहला हम जो बात करने वाले हैं तीनों एक्ट्स के बारे में, उससे पहले हम जान लेते हैं इस इन एक्ट्स के आने से पहले, रेगुलेशन में इनके आने से पहले क्या प्रोसीजर होता था, जो फार्मर्स जो हैं वो अपना अपनी फसल जो उगाते थे उसके बाद उनको कैसे सेल आउट करते थे, कहाँ जाके उनको अपनी फसल बेचनी होती थी। तो जो अभी तक जो प्रोसीजर था वो ये था कि फार्मर्स अपनी फसल बेचने के लिए जो गवर्नमेंट्स के तरफ से सेटअप जो मंडीज होती हैं, APMC मंडीज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो होती हैं, उनमें वो अपनी फसल लेके जाते थे और वहां पे जो मिडलमैन होते थे वो एक लाइसेंस मिडलमैन, वो एक प्राइस डिसाइड करते थे, MSP जिसको कहते हैं, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि एक ऑक्शन के थ्रू जो डिसाइड होता था, और उसी प्राइस पे वो लाइसेंस जो मिडलमैन होते थे वो फार्मर्स से फसल को खरीद के और उनको आगे फिर इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज को उनको बेच देते थे। तो अभी तक जो प्रोसीजर था यही था, सिंपल प्रोसीजर, फार्मर्स अपना फसल लेके जाएगा, वहां पे उनको एक MSP पता चलेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उन पे वो फसल को सेल आउट कर देगा। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारे ये तीनों एक्ट्स आए हैं इनके बारे में। तो जो पहला एक्ट है वो है एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस। तो उसमें क्या रेगुलेशंस दिए गए हैं, तो
अभी तक जो किसान एपीएमसी मंडी में अपना जो अपनी फसल को बेचने जाते थे, वो अब डायरेक्टली अपनी फसल को बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के किसी अदर स्टेट में या स्टेट के अंदर भी किसी और जगह पर जाके अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शंस पहले भी नहीं थी, बट अभी इनको बिल्कुल ओपन में बता दिया गया है। और इवन जो प्राइवेट और कंपनीज हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो भी डायरेक्टली फार्मर के पास जाके फसल को एपीएमसी मंडी के बाहर खरीद सकते हैं। और एक इसमें जो टैक्स लगता था एपीएमसी मंडीज में, वो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को वो टैक्स अब पे आउट नहीं करना पड़ेगा अगर वो डायरेक्टली फार्मर से फसल को परचेज करते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया 7000 एपीएमसी मंडीज हैं जहां पर किसान अपनी फसल बेचे जाते थे, अब उनके बाहर भी वो अपनी फसल की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो जो दूसरा एक्ट है दैट इज द फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बेस है। मतलब कि फसल उगाने से पहले ही कंपनी और जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूशन परचेज करना चाहता है, खरीदना चाहता है जो फसल को, और किसान से वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं फसल की क्वालिटी को लेके, क्वांटिटी को लेके और प्राइस को लेके। कंपनी और फार्मर्स की म्यूचुअल नेगोशिएशन पे बेस्ड जो भी प्राइस वो फिक्स करके उस कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न होगा, उसी पे जब फार्मर अपनी फसल उगा के कंपनी को देगा तो वो उसी प्राइस पे कंपनी को उसको परचेज करना होगा, खरीदना होगा फॉर श्योर। तो एक फार्मर को पहले ही एक ये हो जाता है कि उसके फसल की कितनी क्वांटिटी उसको देनी है और कितने प्राइस पे उसकी फसल बिकने वाली है, इन चीज़ों का उसको पहले ही पता होता है। अब जो तीसरा एक्ट है वो बेसिकली है, ये एक अमेंडमेंट है एक्ट द एसेंशियल कमोडिटीज़, ये 1955 में पास आउट एक्ट है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट्स अपने गवर्नमेंट सिचुएशन और टाइम के अकॉर्डिंग इसमें अमेंडमेंट्स करती रहती है, इसमें एसेंशियल चीज़ों को ऐड या रिमूव करती रहती है। मींस जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई वार लाइक सिचुएशन, या फिर किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, इन चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट्स क्या करती है, ये एक लिस्ट प्रिपेयर करती है। और इस एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स आती हैं, वो एक तरह से उन गुड्स को एक ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करके रखना इल्लीगल होता है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं तो जो कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो मास्क और सैनिटाइजर की जो एक डिमांड एकदम से स्पाइक हो गई थी, इसी की वजह से गवर्नमेंट ने मास्क और सैनिटाइजर को मार्च अप्रैल के ड्यूरेशन में एसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट में डाल दिया था, ताकि कोई भी इनकी स्टोरेज को होल्ड करके और प्राइस को और ज़्यादा स्पाइक ना कर सके। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में से चीज़ें जो अभी हटाई गई हैं वो हैं सीरियल्स, ऑनियंस, ऑयल सीड्स एंड रिफाइंड ऑयल्स। अब इन गुड्स को कोई भी स्टोर करके रख सकता है, मींस एक बड़ी क्वांटिटी में फार्मर से परचेज करके होल्ड करके वो एक चेन सेटअप करके इनको आगे डिलीवर कर सकता है। तो ये थे हमारे तीन एक्ट जो कि गवर्नमेंट ने रेगुलेट किए हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि फार्मर्स को इनसे क्या क्या कंसर्न हो रहे हैं, उनको कहाँ इश्यूज लग रहे हैं कि इन फ्यूचर उनको किन किन चीज़ों से डील करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कि वो रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस जैसा कि अब आपको एक आइडिया लग ही गया होगा कि इन एक्ट्स में क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई हैं और फार्मर्स किस तरह से इसमें अपनी जो फसल है उसको बेच सकते हैं, कैसे वो उस प्रोसीजर को पहले से कैसे अलग तरह से वो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि फार्मर्स का क्या कंसर्न है इन तीनों एक्ट्स को लेके। तो हम आपको एक समराइज करके ओवरऑल बता देते हैं जो जो फार्मर्स के कंसर्न है। तो पहला जो पॉइंट है फार्मर्स का वो ये है कि एपीएमसी के बाहर जो कि गवर्नमेंट सेटअप मंडीज हैं, उनके बाहर भी प्राइवेट मंडीज सेटअप हो जाएंगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डायरेक्टली फार्मर्स को अप्रोच करेंगे फसल को खरीदने के लिए, और वहां पे क्या होगा, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफी हद तक खत्म ही हो जाएगी। इससे क्या है, फार्मर्स को एक डर है क्योंकि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो लीगली मैटर्स में उनके ऊपर हावी हो सकती है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बड़े जो इंस्टीट्यूशन और कंपनीज होती हैं, उनके पास उनकी लीगल डिपार्टमेंट अलग से होते हैं इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए।
तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है फार्मर और कंपनी के बीच में अगर, तो जो कंपनीज हैं वो उसको इजीली एक्सप्लॉइट कर सकती हैं, और फार्मर्स एक लेवल से ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं उलझना चाहता है। और जो दूसरी चीज़ है, फार्मर्स को ये लगता है कि ये प्राइवेट जो कंपनीज डायरेक्टली ही फार्मर्स को अप्रोच करेंगी, तो उसके बाद क्या होगा, MSP बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, जो फार्मर की फसल की जो कीमत होगी वो उसकी बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड करेगी। अब जिन फार्मर्स के पास बड़ी लैंड और उनकी क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो एक लेवल पर जाके बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जो अराउंड 80-85% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, तो उनके पास ना ही तो कोई बड़े ट्रेडर और कंपनीज अप्रोच करेंगी और ना ही वो बार्गेनिंग करने वाली सिचुएशन में रहेंगे। तो एक MSP का अगर रोल ख़त्म हो जाता है तो शायद उन फार्मर्स को अपनी एक क्रॉप की मनचाही, या फिर मनचाही नहीं कहेंगे, कहना चाहेंगे मतलब उन फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स की कीमत नहीं मिल पाएगी जितना कि ज़रूरी है उनके लिए। तो बेसिकली अब जो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एक जो बड़े फार्मर्स होते हैं, जैसा कि हमने इसी पिछले पॉइंट में डिस्कस किया, बड़े फार्मर्स क्या हैं, वो इंटरस्टेट अपनी फसल को ले जाके वो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बियर करके सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स है वो इन कंपेरेटिव स्मॉल फार्मर से ज़्यादा है। लेकिन जो किसान जिनके पास ज़मीनें कम हैं वो ना ही तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बियर कर सकते और ना ही वो कहीं पे अपनी फसल को स्टोर दूसरे स्टेट में जाके वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में या वेयर हाउसेज में चार्ज देके उनको वहाँ पे ना ही स्टोर कर सकते हैं। तो उनको जो अपनी फसलें होंगी वो जहाँ उनके नियर बाई सेल आउट होंगी उनको वहीं ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो बाकी चार्जेस बियर नहीं कर पाएंगे। तो फार्मर्स को इन चीज़ों को लेके भी एक कंसर्न है इन फ्यूचर की उनको ये दिक्कतें आएंगी। अब एक जो कंसर्न हो रहा है वो ये हो सकता है कि जो ट्रेडर्स है, जैसे एसेंशियल कॉमोडिटीज़ में जो चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं, अब जो ट्रेडर्स या फिर कंपनीज़ हैं वो उन फसल को किसान से ख़रीद के, हार्वेस्ट होने के बाद किसान से ख़रीद के कम प्राइस पे ख़रीद के उनको होल्ड करके, उनको स्टोर करके क्या कर सकते हैं, प्राइस फ्लक्चुएट कर सकते हैं, और फार्मर्स के से कम कीमत पे ली हुई फसलों को वो एक ज़्यादा प्राइस में मार्केट में कंज्यूमर्स को बेच सकते हैं अपने पास होल्ड करके। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर किसी भी उसका फसल का, किसी भी गुड्स का अगर प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, 50% से 100% फ्लक्चुएट होता है, तो उन प्रोडक्ट्स को, उन गुड्स को वापस से एसेंशियल कॉमोडिटीज़ की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। बट एक हद तक प्राइस फ्लक्चुएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उस सिनेरियो में भी कंज्यूमर को एक हाई प्राइस पे चीज़ मिलने के बाद भी किसानों को वो कीमत फसलों की नहीं मिल पाएगी। तो सो गाइज, जैसा कि आपने देखा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया जो गवर्नमेंट की साइड से 3 एक्ट्स पास किए गए थे, और उसके बाद जो फार्मर्स के कंसर्न थे जिसके रिगार्डिंग वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड पे निकल के, अपने इन एक्ट्स में वो कुछ संशोधन चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं इन एक्ट्स को वापस ले लिया जाए। सो बेसिकली एक चीज़ और है जो समझने योग्य है, वो ये है कि गवर्नमेंट ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये भी दिए हैं कि जो किसान APMC मंडी में अपनी फसल बेचना चाहता है पहले की तरह बिल्कुल सेम प्रोसीजर से MSP के तहत वो वहां भी उन फसल को बेच सकता है, और जो उसके बाहर प्राइवेट कंपनीज को या ट्रेडर्स को अपनी फसल बेचना चाहता है वो APMC मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही APMC पे बेचने का कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना ही APMC के बाहर बेचने पे कोई रिस्ट्रिक्शन है। सो गाइज, आज की हम वीडियो अपनी यहीं खत्म करते हैं। इसमें हमने आपके साथ जो जानकारियां शेयर की हो, अगर आपको वो सही लगी, आपको एक आइडिया लगा होगा करंट सिचुएशंस का, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप अगर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप ऐसी ही अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।